कटिहार के मनिहारी में पतित पावन गंगा अपने रौद्र रूप में आ गई है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण अपने आगोश में मानो सब कुछ समेट लेना चाह रही है। पिछले कुछ वर्षों में कई एकड़ जमीन मकान सब कुछ गंगा गर्भ में समा चुकी है। हमारी टीम ने गंगा के बांध के किनारे रहने वाले लोगों के दर्द को समझने का प्रयास किया। मनिहारी प्रखंड का सिंगल टोला में हम लोग हैं। मेरा घर गांधी टोला हुआ, लेकिन मेरा रात दिन आना जाना यहाँ पर रहता है। कटाव के लेकर इतना दहशत में है लोग, जो कि हमको रात दिन याद करता है। हम सुबह शाम तक आते रहते हैं। पहले कुछ दिन पहले, आज से 8 दिन पहले, 10 हाथ पानी उधर था। यहाँ पर बोरा का काम चल रहा था, 0 बोरा का, जिसमें डाला लग ठेकेदार लोग काम किए, वर्क किए। परसों तरसों CEO और BDO साहब भी आए थे, SDO साहब भी आए हुए थे। वर्क हुआ, लेकिन जितना भी बोरा डाला है लोग, सब चला गया। अभी भी कट रहा है। इसके अलावे जितना बोरा डाला है सब चला गया पानी में। अभी नहीं करेंगे सक्सेस हुआ कि नहीं, लेकिन कटाव जो है ना धीमी गति पर है, लेकिन फिर भी दहशत में है। अभी आप कैमरा अगर घुमाना चाहते हो देखिए, ये लोग का बाल बच्चा है, रात में अगर उठता है डूबेगा कि मरेगा कि का होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों लोग दशहत में रात जग कर सुबह करते हैं? मनिहारी के सिंगल टोला के लोग रात जग कर अपनी और अपने परिवार के लिए कटाव पर नजर लगाए बैठे रहते हैं। कटाव हो रहा है यहाँ पर, 0 बोरा नहीं देखे, लोकल बोरा दे दिया मिट्टी का। अब मिट्टी पूरे मिट्टी बह कर चल गया। यहाँ पर कम से कम 30-35 हाथ पानी है, अभी तक पानी है 30-35 हाथ। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के आला अधिकारी को जानकारी नहीं है। बांध पर पहुंचकर कटाव की जानकारी लेते हैं। यहां के रहने वाले लोगों ने विभागीय लापरवाही और किए जा रहे बांध के किनारे बोल्डर पिंजी का कार्य सही से नहीं होने के कारण यहां रहने वाले लोगों में काफी आक्रोश है। समस्या यही है कि यहां पर 0 बोरा लगाना चाहिए, ये लोकल बोरा लगाते हैं, उसमें मिट्टी देकर लगा देते हैं, बल्लू होना चाहिए, और कहीं भी नहीं है 0 बोरा, खाली एकदम लोकल बोरा ही लोकल बोरा है, और यहाँ घर में सट रहा है कटाव। इससे कटाव होने के कारण अब तो हम लोग का गांव गिर ही जाएगा, और हम लोग गिरेंगे तो लाइन भी कटेगा, मनिहारी पूरा तहस नहस हो जाएगा। जरा आप भी सुनिए यहाँ के रहने वाले लोगों ने क्या कह रहे हैं इस मामले में। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि बड़े लंबे संघर्षों के बाद यहाँ पे बोल्डर पिचिंग हो रहा है, और बोल्डर पिचिंग आप देखे होंगे कि बगल तक हो रहा है, और उसके बाद ये जो मेन बस्ती है, जिस बस्ती में पहले होना चाहिए कोई परमानेंट सोल्यूशन, इधर नहीं हुआ। क्यों? तो एक कहावत है कि जो उलझ के रह गई है फाइलों के जाल में, लोगों तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने सालों में। तो ये जो प्रमंडल का जो मकर जाल है कि यहाँ जो है काढ़ागोला प्रमंडल, यहाँ फलना प्रमंडल, उसी के चक्कर में आगे बोल्डर पिचिंग हुआ और इस बस्ती में बोल्डर पिचिंग नहीं हुआ। अभी क्या है, सालाना लूटोत्सव जैसे पहले हुआ है कि कटाव निरोधी कार्य के लिए लाखों लाख रुपया जो है, जहाँ पे बालू का बैग देना चाहिए वहाँ मिट्टी का बैग दे दिया जा रहा है, जो पहले से होते आ रहा है उसी। और यहाँ तक कि ये जो मेन कटाव का जगह है, परसों तक काम हो रहा था, अभी बंद कर दिया गया। ये किसी समय ये बस्ती कट सकता है। हम अभी CEO साहब को और SDO साहब को बात किए हैं कि आप कम से कम अभी तत्काल जो है, कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन जो बैग, जो बालू वाला बैग होना चाहिए, जो इसका टेम्प्रोरी जो काम होना चाहिए वो कीजिए, और फिर इस आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।